कर रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं। आप साफ संदेश दे रहा है, फिर एक बार साथियों, 24 के इस चुनाव में बंगाल में ये मेरी आखिरी सभा है। इसके बाद मैं उड़ीसा चला जाऊंगा, कल आखिरी दिन मैं पंजाब में बिताऊंगा, एक प्रकार से कल शाम को प्रचार पूरा हो जाएगा और उस अर्थ में बंगाल की ये मेरी 2024 के चुनाव की आखिरी सभा में इस पवित्र मिट्टी के दर्शन करने का मौका मिला है, आपके उत्साह और उमंग को अनुभव करने का मौका मिला है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर के देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। आप याद करिए, देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। भारत जैसे देश में भुखमरी की खबरें आम होती थी, करोड़ों लोगों के सर पर छत नहीं थी, महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी, पीने के लिए पानी नहीं, 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं, उद्योगों के लिए संभावनाएं नहीं। ये तो एक दृश्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि सुधार के लिए चर्चा भी नहीं होती थी। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों करोड़ युवाओं के सपने मार दिए थे, 5-5 पीढ़ी को आजाद हिंदुस्तान में तबाह कर दिया गया, उनके सपनों को रौंद दिया गया, उनकी आशा आकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, हमसे छोटे थे, सामान्य थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास इतना टैलेंट, इतना स्किल का सामर्थ्य, युवा आबादी की बढ़त, लेकिन हम पीछे छूटते चले गए। वही भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में भारत का डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भारत का डंका बज रहा है, जापान में भारत का डंका बज रहा है। ये किसने किया?
जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये सब हुआ है आपके एक वोट की ताकत से।